ऑलराइट क्लास, अब हम शुरू करेंगे चौथे सब टॉपिक को जो कि है यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। पहले यूग्लिनॉइड्स के बारे में जानेंगे। क्लास, यूग्लिनॉइड्स बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कैसे आप जानेंगे, क्योंकि ये आधे प्लांट्स हैं और आधे एनिमल्स हैं। इनमें आधी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की हैं और आधी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की हैं। यही वो प्रोटिस्ट्स हैं जिन्हें हमने शुरू में पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी जिन्हें माना गया है। तो क्लास, वो क्या कैरेक्टर्स हैं दोनों टाइप के किंगडम्स के जो ये शो करते हैं, वो हम जानेंगे। तो क्लास, जो फोटो आप देख रहे हो ये है एक यूग्लिना की। यूग्लिना एक यूग्लिनॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फ्लैगशिप मेंबर है। यूग्लिना के बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ये फ्रेश वाटर में रहता है। ये कभी भी समुद्र में या फिर नमकीन पानी में, खारे पानी में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसा कि क्लास आप देख सकते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो भी आप ग्रीन कलर के पैचेस देख रहे हो क्लास, ये सब क्लोरोफिल है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये हुआ एक कैरेक्टर इनके अंदर प्लांट का। लेकिन ये हीटरोट्रॉफ्स भी होते हैं क्लास, यानी कि सनलाइट की एब्सेंस में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब जानते हो फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, लेकिन जब लाइट नहीं होती, जब अंधेरा होता है, तो ये हीटरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। यानी कि ये आसपास की चीज़ों को, इनसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया या फिर कोई और इनसे छोटा ऑर्गेनिज्म, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये कैरेक्टर क्लास, जो हीटरोट्रॉफी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है एनिमल्स का। तो अब आपने देखा कि इनमें ये दो सबसे बड़े कैरेक्टर प्लांट्स और एनिमल्स के, ये दोनों देखने को मिलते हैं। कुछ इनकी बॉडी के बारे में जानेंगे, जैसे इनके पास एक फ्लैजला होता है जो कि लंबा होता है क्लास। दूसरा फ्लैजला इनके पास जो होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट फ्लैजला। दो फ्लैजला होते हैं इनके पास। और एक चीज और, इनकी बॉडी के चारों तरफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती क्लास, सिर्फ पेलिकल होता है। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल बॉडी होने के कारण क्लास, इन्हें मूवमेंट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो ये पढ़ा क्लास हमने यूग्लिनॉइड्स के बारे में। अब हम जानेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। क्लास, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है क्लास, जो ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों पे या फिर जो डिकम्पोजिंग चीजें होती हैं उनके ऊपर उगते हैं। तो इनके दो टाइप की बॉडी फॉर्म होती है क्लास स्लाइम मोल्ड्स। या तो जब इनके लिए कंडीशंस अच्छी होती हैं, जब इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब उगते हैं, या फिर जब इनके पास कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, जब वातावरण इनके खिलाफ होता है, तब ये एक अलग बॉडी फॉर्म शो करते हैं क्लास। तो सुटेबल कंडीशंस में देखेंगे, सुटेबल कंडीशंस में क्लास स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं प्लाज्मोडियम। ये एक बॉडी फॉर्म होती है जिसमें स्लाइम मोल्ड्स एक जेली जैसा सब्सटेंस बना लेते हैं क्लास। ये इनकी नॉर्मल बॉडी फॉर्म होती है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस, जब लाइट या फिर टेम्परेचर सब इनके खिलाफ जाता है, तब क्लास ये बदल जाते हैं और स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स दरअसल उन खराब कंडीशंस से बचने के लिए ली गई फॉर्म को कहते हैं, क्योंकि स्पोर्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत टफ होती है, और इससे क्या होता है कि ये उन कंडीशंस में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं।